रूस ने भी सेवेस्तोपोल हमले का बदला यूक्रेनी लॉन्च साइट पर हमला करके लिया। क्रेमेंचुक एयरबेस पर रूस ने KH-50 मिसाइल से हमला किया। एक खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि क्रेमेंचुक से ही सेवेस्तोपोल पर हमला हुआ था। सर्दियां शुरू होने से पहले यूक्रेन पर रूसी हमले तेज हो गए हैं। यूक्रेन के ओडेसा में भी रूस ने बड़ा हमला किया। रूसी सेना ने ओडेसा में कई जगहों पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक किए, जिससे पूरे ओडेसा में दहशत फैल गई। यूक्रेन के काउंटर अटैक के बाद रूस ने हवाई हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शमाइगल के दावे के मुताबिक रूसी सेना ने एक दिन में 40 मिसाइलें दागी। यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी रूस ने मिसाइलों से निशाना साधा। रूस ने कुप्यांस समेत कई बड़े इलाकों में यूक्रेनी हथियारों के गोदाम उड़ा दिए। कुप्यांस में रूसी सेना के T-80 टैंक ने जबरदस्त गोलाबारी की। रूसी सेना ने कुप्यांस में यूक्रेनी ठिकानों पर T-80 टैंक से बारूद बरसाकर बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया। सर्दियों से पहले पुतिन की रणनीति तैयार हो चुकी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि रूस एक महीने के अंदर यूक्रेन के हथियारों को खाली कराना चाहता है। जानकार मानते हैं कि रूस सर्दियां आते ही यूक्रेन पर बड़े हवाई हमले करके उसे ध्वस्त करना चाहता है, और इसीलिए रूस फिलहाल डिफेंसिव दिख रहा है और यूक्रेन आक्रामक नजर आ रहा है। यूक्रेन ने पिछले 48 घंटों में न सिर्फ क्रीमिया में बल्कि क्रीमिया के बाहर भी जमकर बारूद बरसाया है। यूक्रेन ने रूस के शहर बेलगोरोद और कुर्स्क में भी हाल के दिनों में जबरदस्त हमले किए हैं। यूक्रेन की फोर्स ने रूस के इंडस्ट्रियल सिटी कजान को भी हमलों से निशाना बनाया। यूक्रेन के बारूदी धमाके से कजान का इंडस्ट्रियल जोन दहल गया। कजान दक्षिण पश्चिम रूस का बहुत ही अहम शहर है। कजान रूस का पांचवा सबसे बड़ा शहर है। कजान शहर यूक्रेन से 1000 किलोमीटर दूर है। ये माना जा रहा है कि कजान का ही बदला रूस ने ओडेसा में जबरदस्त मिसाइलें बरसा कर लिया। सूमी में भी रूस ने जबरदस्त हमले किए। दावा किया गया कि रूस ने सूमी प्रांत में एक दिन में 17 बार हमले किए और 75 धमाके किए। उधर बाखमुत में रूस ने यूक्रेनी बेस पर FAB-500 बम से हमला किया। सेवर्स के इलाके में यूक्रेनी बेस को रूस ने तबाह कर दिया। लेकिन इस बीच जेलेंस्की ने पुतिन को चुनौती देते हुए बड़ा दावा किया है। जेलेंस्की ने दावा किया कि वो अगले 48 घंटों में 3 शहरों पर दोबारा कब्जा कर लेंगे। इन शहरों में बाखमुत और ज़ेपोरिज़्या भी शामिल है। यूक्रेन ने क्लिश्चिवका और एंड्रीवका पर कब्जा करने का ऐलान पहले ही कर दिया है। एंड्रीवका में यूक्रेन ने रूसी ठिकानों पर ड्रोन अटैक किए। यूक्रेन ने एंड्रीवका से रूसी सैनिकों को खदेड़ देने का दावा भी किया। डॉनबास में भी यूक्रेन ने ड्रोन अटैक करके रूसी ठिकानों पर जमकर बारूद बरसा। माना जा रहा है कि पुतिन अभी कुछ दिनों तक यूक्रेन को आक्रामक हमलों का मौका देंगे, उसके बाद सर्दियों से पहले यूक्रेन के विनाश का अंतिम प्रहार करेंगे। बात महायुद्ध की, यूक्रेन और रूस की जंग में यूटर्न आ गया है। युद्ध में यूक्रेन हावी होता जा रहा है। यूक्रेन के बारूद से रूसी इलाके में भी आग भड़कने लगी है। यूक्रेन 3 प्रांतों में खुद के मजबूत होने का दावा कर रहा है और सितंबर के आखिर में रूस के निर्णायक हमलों की बातें कही जा रही थी, लेकिन रूस अचानक डिफेंसिव मोड में आ गया है। तो क्या जंग रूस के हाथ से निकलती जा रही है? कभी एक कदम आगे तो कभी एक कदम पीछे।
रूसी हमलों की यही रणनीति है। सितंबर के आखिर आते आते रूस थोड़ी देर के लिए रक्षात्मक क्या हुआ, जेलेंस्की की फोर्स बहुत आक्रामक हो गई। यूक्रेनी रूसी ठिकानों पर धुआंधार हमले कर रहा है। क्रीमिया के सेवेस्तोपोल में यूक्रेन के अटैक का नया वीडियो आया है। सेवेस्तोपोल में रूस की ब्लैक सी फ्लीट के हेडक्वार्टर पर यूक्रेन ने हमले करके रूसी खेमे में हड़कंप मचा दिया। यूक्रेन के भीषण मिसाइल हमले में ब्लैक सी फ्लीट की इमारत को भारी नुकसान पहुंचा। ब्लैक सी फ्लीट के हेडक्वार्टर के कई हिस्से तबाह हो गए। सेवेस्तोपोल को रूसी सैन्य शक्ति का पावर हाउस माना जाता है। सेवेस्तोपोल में ही क्रीमिया का सबसे बड़ा एयरबेस भी है। क्रीमिया में सेवेस्तोपोल रूस का सबसे बड़ा नेवल बेस भी है। सेवेस्तोपोल में पिछले दो हफ्ते में यूक्रेन ने दो बड़े हमले किए। तेरह सितंबर को भी यूक्रेन ने सेवेस्तोपोल में रूसी शिपयार्ड को भी निशाना बनाया था। यूक्रेन का दावा है कि सेवेस्तोपोल हमले में रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से दावा किया जा रहा है कि सेवेस्तोपोल में यूक्रेन ने ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलों से हमले किए। माना जा रहा है कि सेवेस्तोपोल मिसाइल अटैक में यूक्रेन को अमेरिका का साथ भी मिला। यह भी दावा किया जा रहा है कि सेवेस्तोपोल में यूक्रेन के मिसाइल अटैक के समय अमेरिका का टोही विमान भी क्रीमिया तट के पास था। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेवेस्तोपोल में यूक्रेन के हमले के दौरान अमेरिका का टोही विमान बोइंग P-8A ब्लैक सी में चक्कर लगा रहा था। रूस ने भी सेवेस्तोपोल हमले का बदला यूक्रेनी लॉन्च साइट पर हमला करके लिया। क्रेमेंचुक एयरबेस पर रूस ने KH-50 मिसाइल से हमला किया। एक खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि क्रेमेंचुक से ही सेवेस्तोपोल पर हमला हुआ था। सर्दियां शुरू होने से पहले यूक्रेन पर रूसी हमले तेज हो गए हैं। यूक्रेन के ओडेसा में भी रूस ने बड़ा हमला किया। रूसी सेना ने ओडेसा में कई जगहों पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक किए, जिससे पूरे ओडेसा में दहशत फैल गई। यूक्रेन के काउंटर अटैक के बाद रूस ने हवाई हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शमाइगल के दावे के मुताबिक रूसी सेना ने एक दिन में 40 मिसाइलें दागी। यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी रूस ने मिसाइलों से निशाना साधा। रूस ने कुप्यांस समेत कई बड़े इलाकों में यूक्रेनी हथियारों के गोदाम उड़ा दिए। कुप्यांस में रूसी सेना के T-80 टैंक ने जबरदस्त गोलाबारी की। रूसी सेना ने कुप्यांस में यूक्रेनी ठिकानों पर T-80 टैंक से बारूद बरसाकर बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया। सर्दियों से पहले पुतिन की रैली की तैयारी हुई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि रूस एक महीने के अंदर यूक्रेन के हथियारों को खाली कराना चाहता है। जानकार मानते हैं कि रूस सर्दियां आते ही यूक्रेन पर बड़े हवाई हमले करके उसे ध्वस्त करना चाहता है, और इसीलिए रूस फिलहाल डिफेंसिव दिख रहा है और यूक्रेन आक्रामक नजर आ रहा है। यूक्रेन ने पिछले 48 घंटों में न सिर्फ क्रीमिया में बल्कि क्रीमिया के बाहर भी जमकर बारूद बरसाया है। यूक्रेन ने रूस के शहर बेलगोरोद और कुर्स्क में भी हाल के दिनों में जबरदस्त हमले किए हैं। यूक्रेन की फोर्स ने रूस के इंडस्ट्रियल सिटी कजान को भी हमलों से निशाना बनाया। यूक्रेन के बारूदी धमाके से कजान का इंडस्ट्रियल जोन दहल गया। कजान दक्षिण पश्चिम रूस का बहुत ही अहम शहर है। कजान रूस का पांचवा सबसे बड़ा शहर है। कजान शहर यूक्रेन से 1000 किलोमीटर दूर है।
ये माना जा रहा है कि कजान का ही बदला रूस ने ओडेसा में जबरदस्त मिसाइलें बरसा कर लिया। सुमी में भी रूस ने जबरदस्त हमले किए। दावा किया गया कि रूस ने सुमी प्रांत में एक दिन में 17 बार हमले किए और 75 धमाके किए। उधर बाखमुत में रूस ने यूक्रेनी बेस पर फैब 500 बम से हमला किया। सेवर्स के इलाके में यूक्रेनी बेस को रूस ने तबाह कर दिया। लेकिन इस बीच जेलेंस्की ने पुतिन को चुनौती देते हुए बड़ा दावा किया है। जेलेंस्की ने दावा किया कि वो अगले 48 घंटों में 3 शहरों पर दोबारा कब्जा कर लेंगे। इन शहरों में बाखमुत और ज़ेपोरिज़्या भी शामिल है। यूक्रेन ने क्लिश्चिवका और एंड्रीवका पर कब्जा करने का ऐलान पहले ही कर दिया है। एंड्रीवका में यूक्रेन ने रूसी ठिकानों पर ड्रोन अटैक किए। यूक्रेन ने एंड्रीवका से रूसी सैनिकों को खदेड़ देने का दावा भी किया। डॉनबास में भी यूक्रेन ने ड्रोन अटैक करके रूसी ठिकानों पर जमकर बारूद बरसा। माना जा रहा है कि पुतिन अभी कुछ दिनों तक यूक्रेन को आक्रामक हमलों का मौका देंगे, उसके बाद सर्दियों से पहले यूक्रेन के विनाश का अंतिम प्रहार करेंगे। पांचवां युद्ध की यूक्रेन और रूस की जंग में यूटर्न आ गया है। युद्ध में यूक्रेन हावी होता जा रहा है। यूक्रेन के बारूद से रूसी इलाके में भी आग धधकने लगी है। यूक्रेन 3 प्रांतों में खुद के मजबूत होने का दावा कर रहा है और सितंबर के आखिर में रूस के निर्णायक हमलों की बातें कही जा रही थी, लेकिन रूस अचानक डिफेंसिव मोड में आ गया है। तो क्या जंग रूस के हाथ से निकलती जा रही है? कभी एक कदम आगे तो कभी एक कदम पीछे, रूसी हमलों की यही रणनीति। सितंबर के आखिर आते आते रूस थोड़ी देर के लिए रक्षात्मक क्या हुआ, जेलेंस्की की फोर्स बहुत आक्रामक हो गई। यूक्रेनी रूसी ठिकानों पर धुआंधार हमले कर रहा है। क्रीमिया के सेवेस्तोपोल में यूक्रेन के अटैक का नया वीडियो आया है। सेवेस्तोपोल में रूस की ब्लैक सी फ्लीट के हेडक्वार्टर पर यूक्रेन ने हमले करके रूसी खेमे में हड़कंप मचा दिया। यूक्रेन के भीषण मिसाइल हमले में ब्लैक सी फ्लीट की इमारत को भारी नुकसान पहुंचा। ब्लैक सी फ्लीट के हेडक्वार्टर के कई हिस्से तबाह हो गए। सेवेस्तोपोल को रूसी सैन्य शक्ति का पावर हाउस माना जाता है। सेवेस्तोपोल में ही क्रीमिया का सबसे बड़ा एयरबेस भी है। क्रीमिया में सेवेस्तोपोल रूस का सबसे बड़ा नेवल बेस भी है। सेवेस्तोपोल में पिछले 2 हफ्ते में यूक्रेन ने 2 बड़े हमले किए। तेरह सितंबर को भी यूक्रेन ने सेवेस्तोपोल में रूसी शिपयार्ड को भी निशाना बनाया था। यूक्रेन का दावा है कि सेवेस्तोपोल हमले में रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से दावा किया जा रहा है कि सेवेस्तोपोल में यूक्रेन ने ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलों से हमले किए। माना जा रहा है कि सेवेस्तोपोल मिसाइल अटैक में यूक्रेन को अमेरिका का साथ मिला। यह भी दावा किया जा रहा है कि सेवेस्तोपोल में यूक्रेन के मिसाइल अटैक के समय अमेरिका का टोही विमान भी क्रीमिया तट के पास था। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेवेस्तोपोल में यूक्रेन के हमले के दौरान अमेरिका का टोही विमान बोइंग P-8A ब्लैक सी में चक्कर लगा रहा था। रूस ने भी सेवेस्तोपोल हमले का बदला यूक्रेनी लॉन्च साइट पर हमला करके लिया। क्रेमेंचुक एयरबेस पर रूस ने KH-50 मिसाइल से हमला किया। एक खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि क्रेमेंचुक से ही सेवेस्तोपोल पर हमला हुआ था। सर्दियां शुरू होने से पहले यूक्रेन पर रूसी हमले तेज हो गए हैं। यूक्रेन के ओडेसा में भी रूस ने बड़ा हमला किया।
रूसी सेना ने ओडेसा में कई जगहों पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक किए, जिससे पूरे ओडेसा में दहशत फैल गई। यूक्रेन के काउंटर अटैक के बाद रूस ने हवाई हमले तेज कर दिए। यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शमाइगल के दावे के मुताबिक रूसी सेना ने एक दिन में 40 मिसाइलें दागी। यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी रूस ने मिसाइलों से निशाना साधा। रूस ने कुप्यांस समेत कई बड़े इलाकों में यूक्रेनी हथियारों के गोदाम उड़ा दिए। कुप्यांस में रूसी सेना के T-80 टैंक ने जबरदस्त गोलाबारी की। रूसी सेना ने कुप्यांस में यूक्रेनी ठिकानों पर T-80 टैंक से बारूद बरसाकर बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया। सर्दियों से पहले पुतिन की रणनीति तैयार हो चुकी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि रूस एक महीने के अंदर यूक्रेन के हथियारों को खाली कराना चाहता है। जानकार मानते हैं कि रूस सर्दियां आते ही यूक्रेन पर बड़े हवाई हमले करके उसे ध्वस्त करना चाहता है, और इसीलिए रूस फिलहाल डिफेंसिव दिख रहा है और यूक्रेन आक्रामक नजर आ रहा है। यूक्रेन ने पिछले 48 घंटों में न सिर्फ क्रीमिया में बल्कि क्रीमिया के बाहर भी जमकर बारूद बरसाया है। यूक्रेन ने रूस के शहर बेलगोरोद और कुर्स्क में भी हाल के दिनों में जबरदस्त हमले किए हैं। यूक्रेन की फोर्स ने रूस के इंडस्ट्रियल सिटी कजान को भी हमलों से निशाना बनाया। यूक्रेन के बारूदी धमाके से कजान का इंडस्ट्रियल जोन दहल गया। कजान दक्षिण पश्चिम रूस का बहुत ही अहम शहर है। कजान रूस का पांचवा सबसे बड़ा शहर है। कजान शहर यूक्रेन से 1000 किलोमीटर दूर है। ये माना जा रहा है कि कजान का ही बदला रूस ने ओडेसा में जबरदस्त मिसाइलें बरसा कर लिया। सूमी में भी रूस ने जबरदस्त हमले किए। दावा किया गया कि रूस ने सूमी प्रांत में एक दिन में 17 बार हमले किए और 75 धमाके किए। उधर बाखमुत में रूस ने यूक्रेनी बेस पर FAB-500 बम से हमला किया। सेवर्स के इलाके में यूक्रेनी बेस को रूस ने तबाह कर दिया। लेकिन इस बीच जेलेंस्की ने पुतिन को चुनौती देते हुए बड़ा दावा किया है। जेलेंस्की ने दावा किया कि वो अगले 48 घंटों में 3 शहरों पर दोबारा कब्जा कर लेंगे। इन शहरों में बाखमुत और ज़ेपोरिज़्या भी शामिल है। यूक्रेन ने क्लिश्चिवका और एंड्रीवका पर कब्जा करने का ऐलान पहले ही कर दिया है। एंड्रीवका में यूक्रेन ने रूसी ठिकानों पर ड्रोन अटैक किए। यूक्रेन ने एंड्रीवका से रूसी सैनिकों को खदेड़ देने का दावा भी किया। डॉनबास में भी यूक्रेन ने ड्रोन अटैक करके रूसी ठिकानों पर जमकर बारूद बरसा। माना जा रहा है कि पुतिन अभी कुछ दिनों तक यूक्रेन को आक्रामक हमलों का मौका देंगे, उसके बाद सर्दियों से पहले यूक्रेन के विनाश का अंतिम प्रहार करेंगे। पांचवा युद्ध की यूक्रेन और रूस की जंग में यूटर्न आ गया है। युद्ध में यूक्रेन हावी होता जा रहा है। यूक्रेन के बारूद से रूसी इलाके में भी आग धधकने लगी है। यूक्रेन 3 प्रांतों में खुद के मजबूत होने का दावा कर रहा है और सितंबर के आखिर में रूस के निर्णायक हमलों की बातें कही जा रही थी, लेकिन रूस अचानक डिफेंसिव मोड में आ गया है। तो क्या जंग रूस के हाथ से निकलती जा रही है? कभी एक कदम आगे तो कभी एक कदम पीछे, रूसी हमलों की यही रणनीति। सितंबर के आखिर आते आते रूस थोड़ी देर के लिए रक्षात्मक क्या हुआ, जेलेंस्की की फोर्स बहुत आक्रामक हो गई। यूक्रेनी रूसी ठिकानों पर धुआंधार हमले कर रहा है। क्रीमिया के सेवस्तोपोल में यूक्रेन के अटैक का नया वीडियो आया। सेवस्तोपोल में रूस की ब्लैक सी फ्लीट के हेडक्वार्टर पर यूक्रेन ने हमले करके रूसी खेमे में हड़कंप मचा दिया। यूक्रेन के भीषण मिसाइल हमले में ब्लैक सी फ्लीट की इमारत को भारी नुकसान पहुंचा। ब्लैक सी फ्लीट के हेडक्वार्टर के कई हिस्से तबाह हो गए।
सेवस्तोपोल को रूसी सैन्य शक्ति का पावर हाउस माना जाता है। सेवस्तोपोल में ही क्रीमिया का सबसे बड़ा एयरबेस भी है। क्रीमिया में सेवस्तोपोल रूस का सबसे बड़ा नेवल बेस भी है। सेवस्तोपोल में पिछले दो हफ्ते में यूक्रेन ने दो बड़े हमले किए। तेरह सितंबर को भी यूक्रेन ने सेवस्तोपोल में रूसी शिपयार्ड को भी निशाना बनाया था। यूक्रेन का दावा है कि सेवस्तोपोल हमले में रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से दावा किया जा रहा है कि सेवस्तोपोल में यूक्रेन ने ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलों से हमले किए। माना जा रहा है कि सेवस्तोपोल मिसाइल अटैक में यूक्रेन को अमेरिका का साथ भी मिला। ये भी दावा किया जा रहा है कि सेवस्तोपोल में यूक्रेन के मिसाइल अटैक के समय अमेरिका का टोही विमान भी क्रीमिया तट के पास था। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेवस्तोपोल में यूक्रेन के हमले के दौरान अमेरिका का टोही विमान बोइंग P-8A ब्लैक सी में चक्कर लगा रहा था। रूस ने भी सेवस्तोपोल हमले का बदला यूक्रेनी लॉन्च साइट पर हमला करके लिया। क्रेमेंचुक एयरबेस पर रूस ने KH-50 मिसाइल से हमला किया। एक खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि क्रेमेंचुक से ही सेवस्तोपोल पर हमला हुआ था। सर्दियां शुरू होने से पहले यूक्रेन पर रूसी हमले तेज हो गए हैं। यूक्रेन के ओडेसा में भी रूस ने बड़ा हमला किया। रूसी सेना ने ओडेसा में कई जगहों पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक किए, जिससे पूरे ओडेसा में दहशत फैल गई। यूक्रेन के काउंटर अटैक के बाद रूस ने हवाई हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शमाइगल के दावे के मुताबिक रूसी सेना ने एक दिन में 40 मिसाइलें दागी। यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी रूस ने मिसाइलों से निशाना साधा। रूस ने कुप्यांस समेत कई बड़े इलाकों में यूक्रेनी हथियारों के गोदाम उड़ा दिए। कुप्यांस में रूसी सेना के T-80 टैंक ने जबरदस्त गोलाबारी की। रूसी सेना ने कुप्यांस में यूक्रेनी ठिकानों पर T-80 टैंक से बारूद बरसाकर बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया। सर्दियों से पहले पुतिन की रणनीति तैयार हो चुकी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि रूस एक महीने के अंदर यूक्रेन के हथियारों को खाली कराना चाहता है। जानकार मानते हैं कि रूस सर्दियां आते ही यूक्रेन पर बड़े हवाई हमले करके उसे ध्वस्त करना चाहता है, और इसीलिए रूस फिलहाल डिफेंसिव दिख रहा है और यूक्रेन आक्रामक नजर आ रहा है। यूक्रेन ने पिछले 48 घंटों में न सिर्फ क्रीमिया में बल्कि क्रीमिया के बाहर भी जमकर बारूद बरसाया है। यूक्रेन ने रूस के शहर बेलगोरोद और कुर्स्क में भी हाल के दिनों में जबरदस्त हमले किए हैं। यूक्रेन की फोर्स ने रूस के इंडस्ट्रियल सिटी कजान को भी हमलों से निशाना बनाया। यूक्रेन के बारूदी धमाके से कजान का इंडस्ट्रियल जोन दहल गया। कजान दक्षिण पश्चिम रूस का बहुत ही अहम शहर है। कजान रूस का पांचवा सबसे बड़ा शहर है। कजान शहर यूक्रेन से 1000 किलोमीटर दूर है। ये माना जा रहा है कि कजान का ही बदला रूस ने ओडेसा में जबरदस्त मिसाइलें बरसा कर लिया। सूमी में भी रूस ने जबरदस्त हमले किए। दावा किया गया कि रूस ने सूमी प्रांत में एक दिन में 17 बार हमले किए और 75 धमाके किए। उधर बाखमुत में रूस ने यूक्रेनी बेस पर Fab 500 बम से हमला किया। सेवर्स के इलाके में यूक्रेनी बेस को रूस ने तबाह कर दिया। लेकिन इस बीच जेलेंस्की ने पुतिन को चुनौती देते हुए बड़ा दावा किया है।
जेलेंस्की ने दावा किया कि वो अगले 48 घंटों में 3 शहरों पर दोबारा कब्जा कर लेंगे। इन शहरों में बाखमत और ज़ेपोरिज़्या भी शामिल है। यूक्रेन ने क्लिश्चिवका और एंड्रीवका पर कब्जा करने का ऐलान पहले ही कर दिया है। एंड्रीवका में यूक्रेन ने रूसी ठिकानों पर ड्रोन अटैक किए। यूक्रेन ने एंड्रीवका से रूसी सैनिकों को खदेड़ देने का दावा भी किया। डॉनबास में भी यूक्रेन ने ड्रोन अटैक करके रूसी ठिकानों पर जमकर बारूद बरसा। माना जा रहा है कि पुतिन अभी कुछ दिनों तक यूक्रेन को आक्रामक हमलों का मौका देंगे, उसके बाद सर्दियों से पहले यूक्रेन के विनाश का अंतिम प्रहार करेंगे। पांचवां युद्ध की यूक्रेन और रूस की जंग में यूटर्न आ गया है। युद्ध में यूक्रेन हावी होता जा रहा है। यूक्रेन के बारूद से रूसी इलाके में भी आग धधकने लगी है। यूक्रेन 3 प्रांतों में खुद के मजबूत होने का दावा कर रहा है और सितंबर के आखिर में रूस के निर्णायक हमलों की बातें कही जा रही थी, लेकिन रूस अचानक डिफेंसिव मोड में आ गया है। तो क्या जंग रूस के हाथ से निकलती जा रही है? कभी एक कदम आगे तो कभी एक कदम पीछे, रूसी हमलों की यही रणनीति। सितंबर के आखिर आते आते रूस थोड़ी देर के लिए रक्षात्मक क्या हुआ, जेलेंस्की की फोर्स बहुत आक्रामक हो गई। यूक्रेनी रूसी ठिकानों पर धुआंधार हमले कर रहा है। क्रीमिया के सेवेस्तोपोल में यूक्रेन के अटैक का नया वीडियो आया है। सेवेस्तोपोल में रूस की ब्लैक सी फ्लीट के हेडक्वार्टर पर यूक्रेन ने हमले करके रूसी खेमे में हड़कंप मचा दिया। यूक्रेन के भीषण मिसाइल हमले में ब्लैक सी फ्लीट की इमारत को भारी नुकसान पहुंचा। ब्लैक सी फ्लीट के हेडक्वार्टर के कई हिस्से तबाह हो गए। सेवेस्तोपोल को रूसी सैन्य शक्ति का पावर हाउस माना जाता है। सेवेस्तोपोल में ही क्रीमिया का सबसे बड़ा एयरबेस भी है। क्रीमिया में सेवेस्तोपोल रूस का सबसे बड़ा नेवल बेस भी है। सेवेस्तोपोल में पिछले 2 हफ्ते में यूक्रेन ने 2 बड़े हमले किए। तेरह सितंबर को भी यूक्रेन ने सेवेस्तोपोल में रूसी शिपयार्ड को भी निशाना बनाया था। यूक्रेन का दावा है कि सेवेस्तोपोल हमले में रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से दावा किया जा रहा है कि सेवेस्तोपोल में यूक्रेन ने ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलों से हमले किए। माना जा रहा है कि सेवेस्तोपोल मिसाइल अटैक में यूक्रेन को अमेरिका का साथ भी मिला। यह भी दावा किया जा रहा है कि सेवेस्तोपोल में यूक्रेन के मिसाइल अटैक के समय अमेरिका का टोही विमान भी क्रीमिया तट के पास था। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेवेस्तोपोल में यूक्रेन के हमले के दौरान अमेरिका का टोही विमान बोइंग P-8A ब्लैक सी में चक्कर लगा रहा था। रूस ने भी सेवेस्तोपोल हमले का बदला यूक्रेनी लॉन्च साइट पर हमला करके लिया। क्रेमेंचुक एयरबेस पर रूस ने KH-50 मिसाइल से हमला किया। एक खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि क्रेमेंचुक से ही सेवेस्तोपोल पर हमला हुआ था। सर्दियां शुरू होने से पहले यूक्रेन पर रूसी हमले तेज हो गए हैं। यूक्रेन के ओडेसा में भी रूस ने बड़ा हमला किया। रूसी सेना ने ओडेसा में कई जगहों पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक किए, जिससे पूरे ओडेसा में दहशत फैल गई। यूक्रेन के काउंटर अटैक के बाद रूस ने हवाई हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शमाइगल के दावे के मुताबिक रूसी सेना ने एक दिन में 40 मिसाइलें दागी। यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी रूस ने मिसाइलों से निशाना साधा। रूस ने कुप्यांस समेत कई बड़े इलाकों में यूक्रेनी हथियारों के गोदाम उड़ा दिए। कुप्यांस में रूसी सेना के T-80 टैंक ने जबरदस्त गोलाबारी की।
रूसी सेना ने कोप्यांस्क में यूक्रेनी ठिकानों पर T-80 टैंक से बारूद बरसाकर बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया। सर्दियों से पहले पुतिन की रणनीति तैयार हो चुकी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि रूस एक महीने के अंदर यूक्रेन के हथियारों को खाली कराना चाहता है। जानकार मानते हैं कि रूस सर्दियां आते ही यूक्रेन पर बड़े हवाई हमले करके उसे ध्वस्त करना चाहता है और इसीलिए रूस फिलहाल डिफेंसिव दिख रहा है और यूक्रेन आक्रामक नजर आ रहा है। यूक्रेन ने पिछले 48 घंटों में न सिर्फ क्रीमिया में बल्कि क्रीमिया के बाहर भी जमकर बारूद बरसाया है। यूक्रेन ने रूस के शहर बेलगोरोद और कुर्स्क में भी हाल के दिनों में जबरदस्त हमले किए हैं। यूक्रेन की फोर्स ने रूस के इंडस्ट्रियल सिटी कजान को भी हमलों से निशाना बनाया। यूक्रेन के बारूदी धमाके से कजान का इंडस्ट्रियल जोन दहल गया। कजान दक्षिण पश्चिम रूस का बहुत ही अहम शहर है। कजान रूस का पांचवा सबसे बड़ा शहर है। कजान शहर यूक्रेन से 1000 किलोमीटर दूर है। ये माना जा रहा है कि कजान का ही बदला रूस ने ओडेसा में जबरदस्त मिसाइलें बरसा कर लिया। सूमी में भी रूस ने जबरदस्त हमले किए। दावा किया गया कि रूस ने सूमी प्रांत में एक दिन में 17 बार हमले किए और 75 धमाके किए। उधर बाखमुत में रूस ने यूक्रेनी बेस पर फैब 500 बम से हमला किया। सेवर्स के इलाके में यूक्रेनी बेस को रूस ने तबाह कर दिया। लेकिन इस बीच जेलेंस्की ने पुतिन को चुनौती देते हुए बड़ा दावा किया है। जेलेंस्की ने दावा किया कि वो अगले 48 घंटों में 3 शहरों पर दोबारा कब्जा कर लेंगे। इन शहरों में बाखमुत और ज़ेपोरिज़्या भी शामिल है। यूक्रेन ने क्लिश्चिवका और एंड्रीवका पर कब्जा करने का ऐलान पहले ही कर दिया है। एंड्रीवका में यूक्रेन ने रूसी ठिकानों पर ड्रोन अटैक किए। यूक्रेन ने एंड्रीवका से रूसी सैनिकों को खदेड़ देने का दावा भी किया। डॉनबास में भी यूक्रेन ने ड्रोन अटैक करके रूसी ठिकानों पर जमकर बारूद बरसाया। माना जा रहा है कि पुतिन अभी कुछ दिनों तक यूक्रेन को आक्रामक हमलों का मौका देंगे, उसके बाद सर्दियों से पहले यूक्रेन के विनाश का अंतिम प्रहार करेंगे। बात महायुद्ध की, यूक्रेन और रूस की जंग में यूटर्न आ गया है। युद्ध में यूक्रेन हावी होता जा रहा है। यूक्रेन के बारूद से रूसी इलाके में भी आग धधकने लगी है। यूक्रेन 3 प्रांतों में खुद के मजबूत होने का दावा कर रहा है और सितंबर के आखिर में रूस के निर्णायक हमलों की बातें कही जा रही थी, लेकिन रूस अचानक डिफेंसिव मोड में आ गया है। तो क्या जंग रूस के हाथ से निकलती जा रही है? कभी एक कदम आगे तो कभी एक कदम पीछे, रूसी हमलों की यही रणनीति। सितंबर के आखिर आते आते रूस थोड़ी देर के लिए रक्षात्मक क्या हुआ, जेलेंस्की की फोर्स बहुत आक्रामक हो गई। यूक्रेनी रूसी ठिकानों पर धुआंधार हमले कर रहा है। क्रीमिया के सेवेस्तोपोल में यूक्रेन के अटैक का नया वीडियो आया है। सेवेस्तोपोल में रूस की ब्लैक सी फ्लीट के हेडक्वार्टर पर यूक्रेन ने हमले करके रूसी खेमे में हड़कंप मचा दिया। यूक्रेन के भीषण मिसाइल हमले में ब्लैक सी फ्लीट की इमारत को भारी नुकसान पहुंचा। ब्लैक सी फ्लीट के हेडक्वार्टर के कई हिस्से तबाह हो गए। सेवेस्तोपोल को रूसी सैन्य शक्ति का पावर हाउस माना जाता है। सेवेस्तोपोल में ही क्रीमिया का सबसे बड़ा एयरबेस भी है। क्रीमिया में सेवेस्तोपोल रूस का सबसे बड़ा नेवल बेस भी है। सेवेस्तोपोल में पिछले 2 हफ्ते में यूक्रेन ने 2 बड़े हमले किए। तेरह सितंबर को भी यूक्रेन ने सेवेस्तोपोल में रूसी शिपयार्ड को भी निशाना बनाया था। यूक्रेन का दावा है कि सेवेस्तोपोल हमले में रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ा।
मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से दावा किया जा रहा है कि सेवस्तोपोल में यूक्रेन ने ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलों से हमले किए। माना जा रहा है कि सेवस्तोपोल मिसाइल अटैक में यूक्रेन को अमेरिका का साथ भी मिला। यह भी दावा किया जा रहा है कि सेवस्तोपोल में यूक्रेन के मिसाइल अटैक के समय अमेरिका का टोही विमान भी क्रीमिया तट के पास था। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेवस्तोपोल में यूक्रेन के हमले के दौरान अमेरिका का टोही विमान बोइंग P-8A ब्लैक सी में चक्कर लगा रहा था। रूस ने भी सेवस्तोपोल हमले का बदला यूक्रेनी लॉन्च साइट पर हमला करके लिया। क्रेमेंचुक एयरबेस पर रूस ने KH-50 मिसाइल से हमला किया। एक खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि क्रेमेंचुक से ही सेवस्तोपोल पर हमला हुआ था। सर्दियां शुरू होने से पहले यूक्रेन पर रूसी हमले तेज हो गए हैं। यूक्रेन के ओडेसा में भी रूस ने बड़ा हमला किया। रूसी सेना ने ओडेसा में कई जगहों पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक किए, जिससे पूरे ओडेसा में दहशत फैल गई। यूक्रेन के काउंटर अटैक के बाद रूस ने हवाई हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शमाइगल के दावे के मुताबिक रूसी सेना ने एक दिन में 40 मिसाइलें दागी। यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी रूस ने मिसाइलों से निशाना साधा। रूस ने कुप्यांस समेत कई बड़े इलाकों में यूक्रेनी हथियारों के गोदाम उड़ा दिए। कुप्यांस में रूसी सेना के T-80 टैंक ने जबरदस्त गोलाबारी की। रूसी सेना ने कुप्यांस में यूक्रेनी ठिकानों पर T-80 टैंक से बारूद बरसाकर बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया। सर्दियों से पहले पुतिन की रणनीति तैयार हो चुकी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि रूस एक महीने के अंदर यूक्रेन के हथियारों को खाली कराना चाहता है। जानकार मानते हैं कि रूस सर्दियां आते ही यूक्रेन पर बड़े हवाई हमले करके उसे ध्वस्त करना चाहता है, और इसीलिए रूस फिलहाल डिफेंसिव दिख रहा है और यूक्रेन आक्रामक नजर आ रहा है। यूक्रेन ने पिछले 48 घंटों में न सिर्फ क्रीमिया में बल्कि क्रीमिया के बाहर भी जमकर बारूद बरसाया है। यूक्रेन ने रूस के शहर बेलगोरोद और कुर्स्क में भी हाल के दिनों में जबरदस्त हमले किए हैं। यूक्रेन की फोर्स ने रूस के इंडस्ट्रियल सिटी कजान को भी हमलों से निशाना बनाया। यूक्रेन के बारूदी धमाके से कजान का इंडस्ट्रियल जोन दहल गया। कजान दक्षिण पश्चिम रूस का बहुत ही अहम शहर है। कजान रूस का पांचवा सबसे बड़ा शहर है। कजान शहर यूक्रेन से 1000 किलोमीटर दूर है। ये माना जा रहा है कि कजान का ही बदला रूस ने ओडेसा में जबरदस्त मिसाइलें बरसा कर लिया। सुमी में भी रूस ने जबरदस्त हमले किए। दावा किया गया कि रूस ने सुमी प्रांत में एक दिन में 17 बार हमले किए और 75 धमाके किए। उधर बाखमुत में रूस ने यूक्रेनी बेस पर Fab 500 बम से हमला किया। सेवर्स के इलाके में यूक्रेनी बेस को रूस ने तबाह कर दिया। लेकिन इस बीच जेलेंस्की ने पुतिन को चुनौती देते हुए बड़ा दावा किया है। जेलेंस्की ने दावा किया कि वो अगले 48 घंटों में 3 शहरों पर दोबारा कब्जा कर लेंगे। इन शहरों में बाखमुत और ज़ेपोरिज़्या भी शामिल है। यूक्रेन ने क्लिश्चिवका और एंड्रीवका पर कब्जा करने का ऐलान पहले ही कर दिया है। एंड्रीवका में यूक्रेन ने रूसी ठिकानों पर ड्रोन अटैक किए। यूक्रेन ने एंड्रीवका से रूसी सैनिकों को खदेड़ देने का दावा भी किया। डॉनबास में भी यूक्रेन ने ड्रोन अटैक करके रूसी ठिकानों पर जमकर बारूद बरसाया।
माना जा रहा है कि पुतिन अभी कुछ दिनों तक यूक्रेन को आक्रामक हमलों का मौका देंगे, उसके बाद सर्दियों से पहले यूक्रेन के विनाश का अंतिम प्रहार करेंगे। पांचवां युद्ध की यूक्रेन और रूस की जंग में यूटर्न आ गया है। युद्ध में यूक्रेन हावी होता जा रहा है। यूक्रेन के बारूद से रूसी इलाके में भी आग धधकने लगी है। यूक्रेन तीन प्रांतों में खुद के मजबूत होने का दावा कर रहा है और सितंबर के आखिर में रूस के निर्णायक हमलों की बातें कही जा रही थी, लेकिन रूस अचानक डिफेंसिव मोड में आ गया है। तो क्या जंग रूस के हाथ से निकलती जा रही है? कभी एक कदम आगे तो कभी एक कदम पीछे, रूसी हमलों की यही रणनीति। सितंबर के आखिर आते आते रूस थोड़ी देर के लिए रक्षात्मक किया हुआ, ज़ेलेंस्की की फोर्स बहुत आक्रामक हो गई। यूक्रेनी रूसी ठिकानों पर धुआंधार हमले कर रहा है। क्रीमिया के सेवस्तोपोल में यूक्रेन के अटैक का नया वीडियो आया। सेवस्तोपोल में रूस की ब्लैक सी फ्लीट के हेडक्वार्टर पर यूक्रेन ने हमले करके रूसी खेमे में हड़कंप मचा दिया। यूक्रेन के भीषण मिसाइल हमले में ब्लैक सी फ्लीट की इमारत को भारी नुकसान पहुंचा। ब्लैक सी फ्लीट के हेडक्वार्टर के कई हिस्से तबाह हो गए। सेवस्तोपोल को रूसी सैन्य शक्ति का पावर हाउस माना जाता है। सेवस्तोपोल में ही क्रीमिया का सबसे बड़ा एयरबेस भी है। क्रीमिया में सेवस्तोपोल रूस का सबसे बड़ा नेवल बेस भी है। सेवस्तोपोल में पिछले दो हफ्ते में यूक्रेन ने दो बड़े हमले किए। तेरह सितंबर को भी यूक्रेन ने सेवस्तोपोल में रूसी शिपयार्ड को भी निशाना बनाया था। यूक्रेन का दावा है कि सेवस्तोपोल हमले में रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से दावा किया जा रहा है कि सेवस्तोपोल में यूक्रेन ने ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलों से हमले किए। माना जा रहा है कि सेवस्तोपोल मिसाइल अटैक में यूक्रेन को अमेरिका का साथ भी मिला। यह भी दावा किया जा रहा है कि सेवस्तोपोल में यूक्रेन के मिसाइल अटैक के समय अमेरिका का टोही विमान भी क्रीमिया तट के पास था। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेवस्तोपोल में यूक्रेन के हमले के दौरान अमेरिका का टोही विमान बोइंग P-8A ब्लैक सी में चक्कर लगा रहा था। रूस ने भी सेवस्तोपोल हमले का बदला यूक्रेनी लॉन्च साइट पर हमला करके लिया। क्रेमेंचुक एयरबेस पर रूस ने KH-50 मिसाइल से हमला किया।